हेलो ट्रेडर्स, तो आज इस वीडियो में हम कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कहां पर हमारे टारगेट होंगे और हमको ट्रेडिंग करते समय किस साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। एनालिसिस में चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं हम मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और इस पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, तो अब देख लेते हैं इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसका मेन रीजन है यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस, वहीं यहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ सपोर्ट के कारण मैंने नीचे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अपर साइड का जो हमारा ये फर्स्ट टारगेट है, ये इसका मेन रीज़न है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस, और सेकंड टारगेट का मेन रीज़न है ये सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट और ये थर्ड सपोर्ट। वहीं डाउन साइड में मैंने इस फर्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ तो इसके बराबर हो सकता है इस एरिया में, या फिर ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट में, यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक। और हम अगर सेकंड लेवल का टारगेट देखें तो वो हो सकता है इसके बराबर यहाँ तक। तो अब हमें देखना है कि कैसे ट्रेड करनी है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है, वहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। तो 18,125 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18,340 तक, और हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम रखेंगे यहाँ तक, यानी कि 18,005 तक या 18,000 तक। और जो सेकंड टारगेट है वो होगा हमारा 18,450 तक, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहीं रहेगा। और सेकंड टारगेट जरूरी नहीं है हमें एक दिन में मिले, दो दिन या तीन दिन भी लग सकते हैं। वहीं डाउन साइड में देखें तो अगर ये 18,060 का लेवल ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है, तो यहाँ हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हो सकता है 17,920 तक, और अगर हम थोड़ा और वेट करें और अगर पेशेंस है तो हम इसका टारगेट रख सकते हैं 17,870 तक, जो कि है ट्रेंड लाइन तक। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा 18,120 तक या 125 तक। इसमें हम अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है तो इसमें डाउन साइड के लिए भी जा सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 17,780 तक, इस लेवल तक। अब हम निफ्टी बैंक के एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी बैंक में हमने ये जो पहली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसका मेन रीजन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, और डाउन साइड में ये सपोर्ट और ये पूरा सपोर्ट एरिया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट आया है उसका मेन रीजन है ये नियर बाय रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, और सेकंड टारगेट के लिए ये रेजिस्टेंस। वहीं अगर हम डाउन साइड के टारगेट देखें तो ये पहला टारगेट आया है इस सपोर्ट के कारण और सेकंड टारगेट आया है इस सपोर्ट के कारण। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो इसका मेन रीज़न है कि अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तो हम 38,820 तक एंट्री कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 39,220 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 38,600 तक। हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 39,520 से 25 तक, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो वहीं रहेगा। वहीं अगर हम डाउन साइड के टारगेट देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि है 38,660 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 38,350, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 38,830 तक, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो होगा 38,132 से 30 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो वहीं रहेगा, यानी कि 38,830 तक या 27 तक। अब हम हमारे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, तो इसका मेन रीजन है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में सपोर्ट और ये सपोर्ट। हमारा फर्स्ट टारगेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। वहीं सेकंड टारगेट हमारा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। डाउन साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो सेकंड टारगेट भी बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट अगर आपको बनाना है तो आप इसको भी बना सकते हैं।
तो अब इसमें हमको ट्रेड कहाँ करना है, अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करता है और 425 के आसपास ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 430, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 423, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 435 के आसपास, और हमारा जो स्टॉप लॉस है हम वहीं रखेंगे। अगर हम डायरेक्ट सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 423 तक। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 421.80 यानी 422 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 414 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको हम या तो यहाँ पर रख सकते हैं जो कि है 425, या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं जो कि है 426.50। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में ये सपोर्ट, ऊपर से ये क्या है कि एक डबल बॉटम टाइप भी ऐसे बना रहा है, तो इसलिए हमने ये ड्रॉ किया है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इसका मेन रीज़न है, ये सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस, और सेकेंड टारगेट हमने बनाया है इस सपोर्ट के कारण और इस रेजिस्टेंस के कारण। डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट है इस सपोर्ट के कारण, और जो सेकंड टारगेट है वो है इसके सपोर्ट के कारण। तो अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम 964 तक इसमें एंट्री कर सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 974, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको रख सकते हैं हम 956 तक, और जो हमारा सेकेंड टारगेट है वो होगा 990, और जो हमारा स्टॉप लॉस है अगर हम डायरेक्ट सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो 953 या 52, लेकिन अगर हम सिर्फ फर्स्ट टारगेट के बाद उसको होल्ड करते हैं तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी उसको कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड में देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 956.50 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा 944 तक या 943 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 963 तक, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो है 931.50 या 931 तक, और उसको हम होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है SBI। तो SBI में आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है जिसका मेन रीजन तो बहुत सिंपल है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस है, ये फोर्थ रेजिस्टेंस, इसलिए हमने जो फर्स्ट टारगेट रखा है वो भी यहीं पर ही रखा है इस ट्रेंड लाइन पे, और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड की हमने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट के कारण है, और जो सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट के कारण है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम रिटेस्ट पे इसको बाय कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो अब हम उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर ये कल 513 का लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, उसको हम रखेंगे यहाँ तक जो कि होगा 509 तक, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 520 तक, और अगर इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो हम सेकंड टारगेट के लिए भी जा सकते हैं जो कि है 528 या 529 तक, लेकिन ये हमें जरूरी नहीं है कि एक दिन में मिले, एक दिन में मिल भी सकता है और 2-3 दिन भी लग सकते हैं सेकंड टारगेट तक। मैं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 509 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा 503 या 502 तक, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा 513 तक, और जो सेकंड टारगेट है 498 तक या 497 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो वहीं रहेगा 513 तक। तो ये तो थी हमारी आज की एनालिसिस, अब मैं मिलता हूँ आपको आउट्रो वीडियो में कुछ पॉइंट्स के साथ।
आई होप आपने एनालिसिस वीडियो देख ली है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किन लेवल्स पे ट्रेड करना है और आपको कब ट्रेड नहीं करना है। लेकिन आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताना चाहूँगा ट्रेड करते समय, जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये कि अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है थोड़ी देर उस गैप अप के फील होने का। सेकंड पॉइंट ये कि आपको एक दो कैंडल के क्लोज होने का भी वेट करना है, डायरेक्ट मार्केट ओपन होते ही ट्रेडिंग नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट ये कि आपको हमेशा मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, और मेरा मार्केट डायरेक्शन से मतलब होता है निफ्टी या सेंसेक्स की तरफ मार्केट जब जा रहा होता है तभी हमें ट्रेड करना है। फोर्थ ये कि आपने जो टारगेट सेट किया है, अगर आपको लगता है कि ट्रेंड वीक है तो आप अपने टारगेट सेट करने किए हुए से पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। तो बस आपको ट्रेड करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।